हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डाइट बेसन का पोहा बनाना सिखाऊंगी। मेरी डाइटिशियन है, आज की डाइट में मैं डाइट को फॉलो करती हूँ। आप सब कहेंगे फिर भी इतनी हेल्दी है, बट मैं पहले बहुत हेल्दी हो चुकी थी अपनी सेकंड बेबी के बाद। अब मैं डाइटिशियन को फॉलो करती हूँ, जिसकी मदद से मैंने 20 kg तक रिड्यूस भी किया है। आज उन्होंने मुझे बेसन का डाइट का पोहा बनाने के लिए कहा था, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँ। उन्होंने जो हम वैसे भी बेसन का पोहा, अब आप कहेंगे कि बेसन का पोहा तो हर कोई बना लेता है, बट जब हमें डाइट में बेसन का पोहा मिलता है तो वो उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलाने के लिए कहते हैं, जैसे जौ का आटा, ब्रान। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मान लीजिए मैंने 5 स्पून बेसन लिया है और 2 स्पून जौ का आटा, 2 स्पून ब्रान, और उसके अंदर जैसे कैप्सिकम, ऑनियन, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको हल्दी, नमक, मिर्च डाल के ये ऐसा एक पतला सा घोल बना लिया है। और दिखाऊंगी मैं आपको, नॉनस्टिक तवा हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए, ये हमारा, आप देख पा रहे होंगे नॉनस्टिक पैन मेरा गर्म हो चुका है। नॉनस्टिक पैन के ऊपर मैं जरा सी ऑयल की ग्रेसिंग करूंगी। मैंने इसे चारों तरफ सारा फैला लिया है और वापसी मैं इसे रिटर्न ले लूंगी अपने बाउल में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो अपना बैटर है उसको डालूंगी। इसको बताने का मेन मोटिव ये है कि हम लोग जैसे घर में बेसन का पोहा बनाते हैं तो हम सिर्फ उसमें बेसन वगैरह ही यूज करते हैं, बट अगर हम किसी डाइटिशियन के थ्रू डाइट लेते हैं तो उसमें हमें जौ का आटा, ब्रान, ये सब चीज़ें मिलाने के लिए कहते हैं। और मोस्टली हम देखेंगे कि हमारा जो पोहा है वो चिपक जाता है, बट मेरा पोहा चीला कभी भी चिपकता नहीं है, क्योंकि हम जो हेल्दी बनाना है उसके लिए सिर्फ हमने ऑयल की ग्रीसिंग करनी है और उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। जब इसके ऊपर पूरे पोर्शन पे ये ब्राउनिश, एक्चुअली बेसन का पोहा चीला बनाना सबके लिए मैं मानती हूँ कि इजी है, बट बिगनर्स के लिए जो कुकिंग में अभी नए नए हैं उनको कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मेरा मेन मोटिव इसे शेयर करने का था कि मैं आपको बेसन का एक हेल्दी पोहे से इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। अब जब इसका सारा पोर्शन ऊपर का थोड़ा सा अलग ब्राउन कलर का आ जाएगा, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, और तब हम इसको इजिली इसके नीचे आपको दिखाती हूँ, ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए कि जैसे इसका ऊपर का पोर्शन चेंज हो गया है, तो मैं इसे हल्के हाथ से पलटूंगी, हल्का हल्का पुश करेंगे हम इसे। और हमेशा हमें ये जो, अगर हम डाइट से रिलेटेड ले रहे हैं और हमें हेल्दी चाहिए तो हमें इसे सिर्फ पुदीने की चटनी के साथ ही खाना चाहिए। एक्चुअली मैं आपके साथ फैमिली व्लॉग शेयर करती हूँ, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक्चुअली मेरी कुकिंग कुछ लोगों को काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं अपनी कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँ, और हेल्दी रेसिपी, क्योंकि मैं फिलहाल डाइटिशियन के कंसर्न में हूँ और मैंने उसके थ्रू 20 kg रिड्यूस भी किया है। आई होप सो और जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैंने आज हेल्दी फूड आपके साथ शेयर इसी वजह से किया है कि आप सब भी इसको अपने घर में बना सकें, और स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर हम इस पे बनाते हैं और इस मेथड से बनाते हैं तो वो इजी भी रहता है और अच्छा भी बनता है। इसमें मेन हमारा पर्पस ऑयलिंग को कम से कम रखना है। ये देखिए, प्रॉपर इसको पुश करके हल्का हल्का ऊपर से हम इसको सेकेंगे। बेसन का हेल्दी पोहा इंजॉय कीजिए, आप सब भी आइए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मैं इसी तरह की अच्छी हेल्दी रेसिपी शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।